हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज हम किन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कल मीटिंग होने वाली है, कल मतलब 14 जुलाई 2019 प्रातः 11 बजे सेंट्रल पार्क न्यू दिल्ली, जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है वहां पे सीपी है सेंट्रल पार्क, वहां पर मीटिंग होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट्स आना चाहते हैं तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा नंबर है वहां पर संपर्क करें, हमें बताएं कि कितनी गैदरिंग में आप लोग आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं तो प्लीज एक बार हमें इन्फॉर्म करें। इसके बाद साथियों, जो भी एड्रेस वगैरह होगा सारा एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा डाल दूंगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दूर से है तो वो भी पूछ सकता है। मतलब कल संडे को मीटिंग होने वाली है और ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में वहां पर आए। और बताना चाहता हूं आयु सीमा में बदलाव, एक दिन में एग्जाम हो शिफ्ट में, मतलब एक दिन में एग्जाम हो और ये जो शिफ्ट वाला सिस्टम है सारा खत्म किया जाए और एग्जाम होने के बाद ओएमआर सीट मिलनी चाहिए और इसके बाद जो न्यू वैकेंसीज हैं जल्द से जल्द आएं। मतलब इस टाइप के बहुत सारे मामले होंगे और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें हमारे कुछ और मामले, मतलब जो हमारी मांगे होंगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे काफी टाइम होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कुछ के अभी रिजल्ट भी बाकी हैं, तो इन सब चीजों पे भी हमारा डिस्कशन होगा। इसके बाद साथियों बताना चाहता हूं हमारे साथ हमारे धैर्य भाई जी वो भी आएंगे और इसके बाद प्रदीप कौशिक सर होंगे और मैं भी वहां पे होऊंगा और एक दो और अन्य साथी भी वहां पे होंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचे और आपके मन में भी कोई और मांग है तो आप हमें बता सकते हैं आज बता सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे जो मीटिंग होगी उसमें हमारे लेटर होंगे तो उसमें सभी कैंडिडेट जो मांगे हैं वहां पे मीटिंग में बैठ के बात की जाएगी और आगे क्या किया जाएगा उस पर भी और आगे डिस्कशन होगा। तो जो भी साथी आना चाहिए, क्योंकि पहले था कि सर मैं नहीं आया, मतलब काफी बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर आप वहां पे नहीं आए तो इस वजह से हम नहीं आए, तो अब हम सभी साथी वहां पे होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचे। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं एक और मामला है जैसे एमसीडी पीआरटी 16/17, 1/18 उससे जुड़ी हुई अपडेट रिजेक्शन नोटिस आई है। उसमें क्या है कि जो सीटेट बाद का है, जो सीटेट बाद का है तो इस वजह से उनको मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उन्होंने कोर्ट केस किया है तो केस मतलब उनका रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने कोर्ट ने माना नहीं है। उन्होंने क्या कहा है कि जो सीटेट है वो ज्वाइन मतलब जो वैकेंसी निकलने से पहले का होना चाहिए, इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन सभी साथियों के लिए मतलब काफी दुख है। तो लेकिन क्या है कि यार कोर्ट के भी रूल होते हैं, ज्वाइनिंग से पहले ये सारी चीजें उन्होंने कंफर्म कर दी थी तो ओवरऑल क्या कर सकते इस चीज में। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और भी रीजन है जो जिनकी वजह से रिजेक्शन हुआ है, तो आपको मतलब टाइम भी दिया गया है कि आप अपना जो चैलेंज करना चाहें, आपको लग रहा है कि हम सही थे, आप मतलब यहां से कुछ गलती हुई है तो आप अपना जो भी है अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके बाद जो वेटिंग पैनल है उस पर भी वर्क चल रहा है एमसीडी पीआरटी, तो ये भी अपडेट है आप लोगों के लिए। और जो डीवी की बात है कि डीवी में भी जल्द से जल्द जो बचे हुए डीवी हैं वो भी होने वाले हैं, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये मॉर्निंग न्यूज है आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आएंगे। और ये नहीं कि आप आए, अपने साथ और भी साथी लेके आए, जो ये सारे मामले हैं कल इन पर डिस्कशन किया जाएगा, लेटर बना के ये लेटर आगे पोस्ट किए जाएंगे। अशोक अग्रवाल सर से मेरी बात हुई थी तो आप लेटर पे जैसे साइन वगैरह करके हम अशोक अग्रवाल सर के पास ये पहुंचाएंगे और इसके बाद जल्द से जल्द और बड़ी मीटिंग रखने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो एलजी साहब को भी लेटर पोस्ट करने के बारे में वहां पर डिस्कशन किया जाएगा सारी चीजों पर। और सबसे अच्छी बात है कि धैर्य भाई जी हमारे साथ होंगे तो इससे क्या होता है कि उनको काफी एक्सपीरियंस है, जैसे लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो उस वैकेंसी को निकलवाने में भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।